मैं आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉयस पर। हमारा ये फ्री भृगु नंदी नाड़ी कोर्स जो है, इसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, जिसको आप ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। वहां पर जो क्लास के जूम लिंक्स हैं वो पोस्ट किए जाते हैं और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात को 10 बजे क्लास होती है, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करें तो हमने कल इस बात पे छोड़ा था, थर्ड हाउस पे जेमिनाय। जी फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जेमिनाय का जो फोर्थ हाउस है वहां पर वर्गो साइन आ जाता है, साइन ऑफ ऋण, साइन ऑफ डिजीज, साइन ऑफ एनिमिटी। तो आप देखिए कि मदर बीमार रहना, मदर का मदर के साथ पुअर रिलेशनशिप्स होना, हालांकि जो आपका लगन है, लग्नेश है, वहां पर आके उच्च का हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये इंडिकेट करता है कि हाईली वो इंसान जो एक हाई डिजायर रहेगा कि उसे मातृत्व, मतलब जो है उसका माता का जी मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिले, ठीक है, मिलता भी है कई बार, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स है जेमिनाय वालों का, ठीक है ना। मदर की मतलब हेल्थ पे के इश्यूज रहते हैं, लेटर ऑन स्पेशली शादी के बाद जो है मदर के साथ रिलेशंस सोर होने स्टार्ट हो जाना, ठीक है। ऐसे हाँ जी, कुछ नहीं, कंटिन्यू। फिर आप देखिए इस घर के अंदर जो चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब एक्चुअल जो मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो 12th में जाके वो उच्च का हो जाता है, ठीक है ना। टॉरस इसका 12th साइन है, जो टॉरस 12th में आता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत बार जो है अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट करने के लिए, कमाने वगैरह के लिए अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ता है। नेचुरल हाउस ऑफ कंपटीशंस का है, ठीक है, नेचुरल हाउस है डिजीज का, लड़ाई झगड़े का, दोष निकालने का। तो मदर की ऐसी टेंडेंसी होना, ऑडिटिंग पावर मदर की बहुत अच्छी होना, ठीक है, मदर की ये टेंडेंसी होना कि हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालना, मदर को बहुत बार हेल्थ इश्यूज हो जाना, या लेटर ऑन लाइफ के अंदर ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाना कि इनको अपना जो घर है वो छोड़ना पड़े, ठीक है। सुख का त्याग करना पड़े, फोर्थ हाउस का जो त्याग करना पड़ता है फॉर द 10th हाउस, क्योंकि यहां पर अपने ऑपोजिट हाउस में जो है जो लग्नेश है या जो फोर्थ का लॉर्ड बन रहा है यहाँ पे, वो जाके नीच का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लग्नेश यहाँ पर जाके उच्च का होता है, तो जो जेमिनाय वाले हैं वो हमेशा उन्हें तलाश रहती है मेंटल पीस की। हाँ जी, सर सभी को म्यूट कर बैकग्राउंड दीजिए प्लीज, ये पीछे से किसी का चल रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। नॉइज। कर दूं, मैंने आपको म्यूट कर दिया है और सभी को अलाउ भी किया है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आप यहां देखिए कि इमोशनल जो पीस है, मेंटल पीस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इन सब चीजों के लिए वो ललायत रहते हैं। द वर्ड इज मतलब ललायत रहना, उनकी एक इच्छा होती है, उनको बड़े सुख की अनुभूति होती है कि मुझे मानसिक, उनकी प्रायोरिटी होती है कि मानसिक शांति मिले, ठीक है ना, सुख मिले,
अपना घर खरीदने में उन्हें बहुत ज्यादा जो है शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर साइन में भी ड्वालिटी है, लग्नेश में भी ड्वालिटी है, अगेन जो फोर्थ हाउस है वहां पर भी ड्वालिटी है। मर्करी अच्छी कंडीशंस में है, दे आर एबल टू हैंडल द मल्टीपल टास्क, यूनिट डायरेक्शनल चीजें करेंगे, उनके डिसीजंस अच्छे होंगे, मल्टीपल चीजें करेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। फैमिली ऐसी है, दो घर हैं, गर्मी की छुट्टियों के लिए नैनीताल में भी ये घर बना रखा है, और एक जो एक जो घर बनाया हुआ है वो जहां पर वो रहते हैं, मल्टीपल हाउसेस, ये चीज का यस होना, ठीक है। ड्वालिटी है अपनी माँ, मल्टीपल सोर्सेस से मातृत्व वाला प्यार मिलना, स्नेह मिलना, ये बड़ी माँ, छोटी माँ, दाई माँ, ऐसे होते हैं ना कई लोग, ठीक है। तो इस जी तरीके की चीजें, मतलब अगर मरकरी अच्छा चला जाए, मून भी अच्छा है, तो उनका ना एक मतलब मदरली फिगर्स के साथ, मल्टीपल के साथ अटैचमेंट होगा। हाँ जी यस सर श्रीमानी जी, सर और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपने घर से वो करें सेवा, क्यों क्योंकि वर्गो सेवा का भी साइन है, जैसे घर में जैसे वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं या घर को ही वर्क फ्रॉम होम से नहीं, घर मतलब किसी एनजीओ से, आप लोकल लोकल एनजीओ से जुड़ सकते हैं, आपकी मदर किसी एनजीओ से बिल्कुल जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है, बड़े उनको लोगों की से सेवा, बड़े लोगों की सेवा बड़े लोग, आप माँ की सेवा करना चाहें। लेकिन यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव है, थोड़ी सी अफ्लिक्शन आने पर मदर के साथ रिश्तों को डायरेक्टली इफेक्ट कर देता है, होम ग्राउंड छुड़वा देता है। कई बार ऐसा है कि आप अगर सेम सिटी में भी रह रहे हैं तो किन्हीं मतलब अप्रिय कारणों की वजह से आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, और नाउ यू आर लिविंग दूसरी जगह पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए शादी होगी पेरेंट्स की और बाद में रिलेशंस खराब हो गए, जब तक शादी वगैरह नहीं, हैं जी, जब तक शादी वगैरह नहीं हुई थी तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है। ऐसी मतलब चीजों का होना, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में आके डेबिलिटेट हो जाता है, और आप देखिए कि इसी असेंडेंट में लिब्रा जो है वो फिफ्थ में आ रहा है, ठीक है। अच्छे केसेस में लव मैरिज होना, लेकिन लव मैरिज जो है, जो माता है वो लव मैरिज के अगेंस्ट है, वाइफ से नहीं, वाइफ माँ और जातक की पत्नी की नहीं बनती, ठीक है। या मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, जातक ने लव मैरिज कर ली, लेकिन लव मैरिज करने के बाद पेरेंट्स अगेंस्ट हुए, स्पेशली मदर बहुत अगेंस्ट है। अब आप देखिए कि वीनस के दो हाउस हैं, 12th एंड 5th, ठीक है। शादी से पहले शॉर्ट टर्म प्री मैरिटल अफेयर्स काफी होना, ठीक है। फिर मतलब जो टॉरस है वो सेकंड हाउस जो है वो मतलब चला गया है, आप देखिए 12th हाउस में, अगर यहां पर लव मैरिज में जातक जाता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि उसको अपनी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े, अगेंस्ट हो जाए पेरेंट्स। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। अभी आप देखिए 7th हाउस आ गया ना, लिब्रा जो है 5th में आ गया, 5th हाउस आपकी इंटरेस्ट है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, आपकी पसंद है, हाँ मतलब जब शादी, जब अब ये एक रूल है कि 7th का लॉर्ड अगर 5th में हो या असेंडेंट 5th के साथ हो तो लव मैरिज का एक कॉम्बिनेशन है, अपनी पसंद की शादी है सर ना।
मतलब हमने इसको फिफ्थ फिफ्थ हाउस और सेवेंथ राशि दोनों को जोड़ा हाँ, है। अब आप हाँ देखिए ठीक कि है जो लिब्रा का साइन है वो 12th हाउस के अंदर भी आ रहा है, हाँ। वो एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है एक तरह से। मतलब शादी में ज्यादा खर्चा करा देना, ये भी हो सकता है लव मैरिज। शादी में मतलब लव मैरिज कर लिया है, धन कुटुंब और वाणी है, मतलब आपके जो जमा किया हुआ पैसा है, जो घर से कुछ पैसा मिलता है उससे आप मतलब अलग हो जाओ। ठीक है समझ मदर आ आपकी गया। लव मैरिज के अगेंस्ट हो। सर वो इसलिए भी हो सकता है कि लिब्रा से टॉरस 6-8 का रिलेशन बना रहा है। 12th में भी है, 6-8 का भी है, लेकिन आप देखिए ना कि जहां वीनस डेबिलिटेट हो रहा है वो साइन 4th में आ रहा है। हाँ जी मदर, वाइफ का झगड़ा रहना मदर के साथ बनना ना, उसकी वजह से पेरेंट्स उससे अलग हो जाएं, और जो है एक सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, अलग हो जाएं और मतलब बोलें कि ठीक है हम तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं देखें, जाओ अपने अपने उस पे करो जो करना है। ठीक है, इसको मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं। और लिब्रा अगर 5th में है, टॉरस अगर 12th हाउस में चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लव अफेयर्स में फेलियर्स को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, फेलियर्स हो जाना ये भी है। सर अभी इसका एक और रीजन भी आएगा, बहुत सॉलिड हम जब आगे जाएंगे ना तो इसका एक और रीजन भी आएगा। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि जो लिब्रा साइन है, लिब्रा जो साइन है 5th में आ रहा है, उसका लॉर्ड जो है 10th में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है। ठीक है, मींस कि जैसे ही जातक की शादी होती है तो जातक अपने प्रोफेशन में राइज करता है। जातक के प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल्स भी बढ़ सकती हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करने लग जाएगा, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ असेंडेंट जाके और 4th लॉर्ड जो जाके वो हो जाता है, डेबिलिटेड हो रहा है। ठीक नीच डेबिलिटेड हो रहा है, नीच का हो रहा है। आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर स्टार्टिंग हिज प्रोफेशन, धीरे धीरे पेरेंट्स के साथ उसके जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, सर। ये बॉयज की कुंडली में ज्यादा देखने को है क्योंकि दो कुंडलियां हैं जिनका एसेंडेंट जेमिनाई है। कुछ बातें मतलब एक कुंडली से मैच हो रही है, कुछ बातें एक कुंडली से मैच हो रही हैं। पर जो बॉय की कुंडली है, जैसे माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मल्टीपल अफेयर्स हुए, उनकी अब तक वो भी नहीं हुई है, मैरिज भी नहीं हुई है। तो और कुछ बातें को हैं। पर सर एक बात पूछनी है आपसे कि जैसे मेरा जेमिनाई वो है मून है, पर मेरे तो कोई अफेयर नहीं था, मेरी ना ही लव मैरिज है, पर हाँ एक शहर में जरूर हुई है और मम्मी की हेल्थ भी टचवुड बहुत अच्छी है। आगे आगे भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे जैसे ही यस हम हाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जी थैंक यू आपके सर। मून की प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। हाँ जी तो वो फोर्थ हाउस में ही है ना, चंद्र जेमिनाई में तो मून फिर बहुत बुध अच्छा की है। प्लेसमेंट भी अच्छी होगी। हाँ जी उच्च का है सिक्स हाउस में। जब चीजें बैलेंस हो गई हैं, है ना, हाँ जी सर तब यस सर मैलिफिक इफेक्ट्स जो हैं आपको मिनिमाइज होते नजर आएंगे ना अपनी जिंदगी में। ठीक हाँ जी सर है, थैंक यू सर। हाँ जी आई जस्ट ठीक लाइक है, टू शेयर। हाँ हाँ। जी सैटर्न, अब सैटर्न जो है, जो कि 8th का लॉर्ड है एंड 9th का लॉर्ड है, वो 5th हाउस में आकर जो है एग्जॉल्टेड हो रहा है। हाँ जी ठीक है, सर तो ऐसे जातक की रुचि है इस तरफ है, रिसर्च में, ऑकल्ट साइंस में, एनीथिंग विच इज हिडन, कुछ लोगों से गुप्त बातें निकलवा लेना बातें कर करके, है ना। अच्छा बताना उस दिन सर क्या हुआ था, वो उसने क्या कहा था, मतलब उनकी बातों को निकलवाना, है ना, क्योंकि
एट फिफ्थ में जाके वो एग्जॉल्ट का हो रहा है, लॉन्जिविटी, ठीक है, लॉन्जिविटी भी मतलब सैटर्न जो है शो करता है। तो जो ये जातक जो होते हैं काफी मतलब दीर्घायु भी होते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि सैटर्न जो है वो उच्च का हो रहा है फिफ्थ साइन के अंदर जाके, जो लिब्रा है। एक्चुअली देखिए तो काल पुरुष कुंडली का भी सेवंथ हाउस है, ठीक है, लेकिन वो फिफ्थ में चला गया। मतलब ऐसे लोगों की देखिए, अगर ऐसा हुआ नहीं तो उनकी लेकिन ये टेंडेंसी जरूर होगी कि अगर मुझसे पूछा होता तो मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करता, भले ही अरेंज होगी हो, लेकिन उनको मौका मिलता तो वो उनकी उनकी जो पर्सनल पसंद है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। फिर वो अभी पार्टनर देखिए, जो शुक्र, अगर मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि शुक्र अगर ये इंडिकेट करता है कि आप किस फेमाइन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो लिब्रा भी तो ये इंडिकेट करता है ना कि आप कैसी फेमाइन एनर्जी की तरफ इंडिकेट होंगे। जिनके अगर जेमिनाय और उनके पार्टनर है जो, उनके अगर शौक जो है पसंद मिलती होगी, है ना, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फिर ऐसे लोग ऐसी मतलब लड़की या अपने स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्पेशली, जैसे कि मतलब वो टॉल हो, क्योंकि सैटर्न है वहां उच्च का और है, सैटर्न की कदकाठी लंबे को इंडिकेट करता है, स्लिम हो, वर्किंग हो, मेहनत करने वाली, मतलब उन्हें उन्हें चाहिए कि मैं जो स्पाउस है वो मेहनती किस्म का होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, टॉल मिलता है, स्लिम हो और थोड़ा डस्की सा कंप्लेक्शन हो, डस्की बोलते हैं ना, थोड़ा शाम वरण जिसे बोल देते हैं, सांवला, सांवला हैं जी, सांवला, रंग हाँ सांवले रंग का, ठीक है। का। ऐसा ऐसा अगर उन्हें लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसको प्रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लव मैरिज की तरफ ये लोगों को झुकाव हो रहा है तो ये ऐसे पार्टनर को चूज करना पसंद करते हैं जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल है, वो उनके प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली उनमें गुण है, मतलब ऊपर की बाहर अंदरूनी सुंदरता जिसे देखकर उनके प्रैक्टिकल हो, उसका पार्टनर जो है प्रैक्टिकल हो, क्योंकि सैटर्न प्रैक्टिकल है, ऐसी एनर्जी की तरफ उनका अट्रैक्ट होना और ऐसे पार्टनर की चाहत रखना, ठीक है। अगर कोई पूछना चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी जो है, और फिफ्थ हाउस में आप देखें और लाइफ पार्टनर को ये लेकर देखें कि ये चीज है, ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं जिसको जो कुछ पूछना हो। फिर हम देखेंगे कि फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में जो लिब्रा है ना, और जो नेचुरल फिफ्थ हाउस है वो उनके थर्ड में चला गया। अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपने इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करते रहना सेल्फ एफर्ट्स के साथ, थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट्स का। अपने इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कैसे करना, रिटन कम्युनिकेशन से, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, कोई फोटो डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, इन्होंने कुछ कोट्स लिख के डाल दी, है ना, प्रेम हुआ तो प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, ईमेल्स लिखे जा रहे हैं, लंबे लंबे मैसेजेस लिखे जा रहे हैं, ऐसी मतलब चीजें हो रही हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए कि पंचम भाव जो है वो बच्चों का भी है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि वहां आती है, शुक्र जो है एल्डर डॉटर का कारक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे जो जातक होते हैं उनके
फर्स्ट जो इश्यू है वो डॉटर हो, ठीक है? आप अनम्यूट कर सकते हैं जो अगर कोई मतलब कुछ पार्टिसिपेट करना चाहता इसके अंदर आपने जो सर लिख है। बोला सेल्फ एफर्ट से काम करता है, फिफ्थ हाउस का जो आपने इसमें फिफ्थ हाउस की राशि जो थर्ड में गई लियो उसको एफर्ट लिया, उसका तो आपने एफर्ट उठाया। फिफ्थ हाउस में जो तुला राशि आई उससे आपने मेहनत जो फीमेल है जो मेहनत है, और जैमिनाई जो आदमी खुद है, इन तीनों को जोड़ा है ना? ठीक है। तो जैसे लिब्रा है, लिब्रा साइन जो है, मैंने यहां देखा कि फर्स्ट फर्स्ट इश्यू जो है डॉटर हो, बड़ी बड़ी बेटी, ठीक है। फिर आप देखें कि फिफ्थ हाउस जो है पास्ट कर्मास का भी है, पास्ट लाइफ कर्मी है हाँ तुम्हें, ठीक है। फिर आप देखें यहां पर कि लिब्रा साइन यहां पर आ गया, मतलब आपको जो लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, वो आपको पास्ट लाइफ के कर्मों से मिलेगा, पास्ट लाइफ से ही पास्ट में भी मिलने हो आएंगे। सकती है। अगर आप बुरे कर्म करके आए हो तो बी रेडी, ये आज इस जन्म में आप उसकी भरपाई करने वाले हो। अच्छे फल किए हैं तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है, मतलब जो कोई भी एक मेन बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है लाइफ पार्टनर का इनकी लाइफ के ऊपर, ठीक है ना। सर ये चीज हम कोई भी लगन हो जो जिसमें पांचवी राशि आई हो, कोई भी लगन में जो भी पांचवी राशि आई हो। आप टॉरस से आए हैं, ये चीजें मैं पहले के वीडियोस में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना, कैसे हम क्या कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वैदिक की चीज है, लेकिन आप ये चीज देखिए कि यहां पर कारक तत्वों को ब्लेंड किया जा रहा है, भाव, राशि और कारक तत्व, ठीक है। और आप इसीलिए वो चीजें, हाँ जी, आपने ये कैसे कहा कि पास्ट लाइफ का पार्टनर होगा लिब्रा साइन पूर्व पुण्य है ना कैसे फिफ्थ मैच करा? हाउस, फिफ्थ हाउस पूरे पुण्य है, नाइन्थ हाउस संचित लिब्रा कर्मास। साइन, ओके अच्छा इसलिए ठीक ठीक है ना। है। तो आप और एक ये देखिए कि एक रूल और भी है कि फिफ्थ हाउस सेवंथ लॉर्ड और या असेंडेंट जो है फिफ्थ हाउस के साथ मिल रहे हैं तो लव मैरिज होती है, तो ये एक नेचुरल साइन है जो अपनी पसंद से शादी करना पसंद करेंगे। मैं इसको लव मैरिज से ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि ये कंफर्टेबल होते हैं अपनी पसंद के इंसान से शादी करने, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है ना। जो क्योंकि सैटर्न इसमें एग्जॉल्टेड हो जाता है तो ये स्लो स्टेडी अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं, फूंक फूंक पे कदम रखना, ठीक है। इनकी जो अर्निंग है वो अब इनके इंटेलेक्ट से, मतलब एक ऐसे चीजों से, अपने हुनर से या मतलब अपनी बुद्धि से ऐसे कार्य करके चीजों पैसे को अर्न करना स्टार्ट करते हैं, और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो एक इनहेंसमेंट है, मतलब अपग्रेडेशन है, वो 30th के बाद आनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। फिर आप ये देखिए कि सैटर्न जो है 8th का लॉर्ड है, हाँ जी, फिर ये आपने एज कैसे बताई 30th के बाद लगभग? सैटर्न का एक चक्कर 30 साल में पूरा होता है, अच्छा 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 हाँ, ठीक। ठीक है ना। फिर आप ये देखिए कि सैटर्न जो है 8th का लॉर्ड है तो ये स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है कि सीक्रेट अफेयर्स, हिडन चीजें, रिसर्च वर्क या ऑकल्ट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। सर जैसे मेरा उच्च का ही है शनि, तो फिर जैसे जेमिनाई के अगर आप वैसे देखें तो फिफ्थ हाउस में आता है, और मैं रिसर्च कर रही हूँ बहुत ज्यादा, मेरा उसमें है मेंट। हाँ जी ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि सूर्य जो है नीच का हो जाता है, हाँ जी सर ठीक है।
मेल चाइल्ड में डिले होना या सेकंड मेल चाइल्ड होना या मेल चाइल्ड डिले के बाद होना या फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो सेकंड चाइल्ड है वो थोड़ा ज्यादा गैप के बाद। सर सर ये बात भी ठीक है, मेरे दोनों बच्चों में पूरे 10 साल का डिफरेंस है, और दोनों बॉयज हैं, पर ठीक है। पूरे 10 साल का। हाँ जी और कहीं ना कहीं अगर सूर्य यहाँ डेब्यूटेट हो रहा है तो इनके इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस ऐसे जो हैं लव अफेयर्स होना या मैरिजेस ये लव मैरिजेस होना इसकी भी इंडिकेशन होती है। सूर्य अगर उच्च का होगा ना तो वो अपने उसके प्रति थोड़ा ज्यादा रिजिड होता है। रिजिड भी होगा सर, अपने से ऊंचे स्टेटस में भी अफेयर का या शादी का नहीं कुछ सूर्य रखेगा, डेब्यूटेट हो रहा है ना, नहीं डेब्यूटेड नीच का हो रहा है, साथ में। हाँ नीच का हो ठीक रहा है ना, वहां पे। अपने से नीच कुल में, अपने से मतलब अपने जो से कम स्टेटस छोटे वाले बोल लो कम या स्टेटस में शादी। इंटर कास्ट हो जाना इंटर रिलीजन हो जाना ऐसी चीजें होती हैं डिपेंड अपॉन। कि देखिए ये हम अगर चीजों को देखें कि इस हॉरोस्कोप की जो एनर्जी कैसी है, फिर आगे जो प्लैनेट्स की किस तरीके से प्लेसमेंट हो रखी है, ठीक है, स्कॉर्पियो 6th हाउस में आ गया, 6th हाउस के अंदर, ठीक है, डिजीज अपना रोग शत्रु गुप्त शत्रु, गुप्त अपने ही शत्रु बने हुए हैं, है ना, पानी पानी वाली बीमारियां भी बोल सकते छुपके हैं, क्योंकि छुपके वार आप करना गुप्त रोग होना या ऐसे रोग हो जाना जिनका पता ही नहीं है लग रहा कि क्या है, डायग्नोज ही नहीं प्रॉपर हो रहा, प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रहा है कि किस लिए कैसा रोग हुआ है क्यों हुआ है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है, तकलीफ कुछ और है, डॉक्टर भी हिट एंड ट्रायल कर रहा है, कुछ दिन के बाद आपने डॉक्टर चेंज कर लिया वहां कुछ और बोल रहा है, फाइनली हो क्या रहा है कि ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा, या ऐसी कोई बीमारी लग जा रही है जो कि जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल रहा है, असाध्य रोग हो जाना, स्कॉर्पियो चला गया ना वहां पर, चंद्रमा वहां पर जाकर नीच का हो जाता है, ठीक है, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने एनिमीज से डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन करने से परहेज करते हैं, सीधा सीधा वो करने से, स्कॉर्पियो है ना छुपके वो करेगा, स्ट्रैटेजिक बनाएगा प्लानिंग करेगा, फिर अपने एनिमी को जब वो वीकेस्ट पॉइंट पे होगा तब वो जाके उसको दबोच लेगा, या कहीं ना कहीं ये अपने एनिमी से डरने वाले भी हो सकते हैं, ये अवॉइड ही करते हैं कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ऐसी चीजें, मतलब या ये झगड़ा भी करेंगे तो पहले स्टेट देख लेंगे ये कमजोर है ना मेरे से अब ठीक है ना, ताकतवर को नहीं मतलब छेड़ना है, परेशानी हो सकती है। सर अगर मंगल लगन में होगा तो फिर ये एनिमी से डरेंगे? अगर मंगल लगन में होगा, ठीक है, 6th का लॉ, हर जगह जाके मतलब आ बैल मुझे मार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भिड़ जाएंगे वो ना बोलते सर। हैं ना राह चलते हुए बीमारी अपने गले डाल लेना, झगड़ा किसी और का है खुद के बीच में, अगर सर ये इस 6th हाउस में जो स्कॉर्पियो है उसी में मंगल है, फिर क्या करेंगे? उसमें मंगल है तो वो ऐसा स्ट्रेटजी से पंगा लेगा, स्ट्रेटेजी ठीक तब भी है, दिखाएगा, मतलब कि मंगल कोई स्कॉर्पियो भी में से। तो स्कॉर्पियो के गुण है ना वो ऐसे मतलब स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना वो अपने बच्चों को भी बता के जाएगा कि इसने हमें उस दिन बोला था इससे बदला लेते हैं छोड़ना नहीं ऐसे, ठीक है, स्कॉर्पियन को आपने द वर्स्ट एनिमी अगर है तो स्कॉर्पियन है, ठीक है, अगर ये अच्छे उसमें है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया कोई प्रॉब्लम आ गई किसी ने इनको बोला कि यस साइकिलिंग करो एक्सरसाइज करो आप लोग ना ठीक हो जाओगे,
वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये अपनी लाइफ में कई बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। साइकिलिंग करने लग गए और कोई फिजिकल एक्टिविटीज करने लग गए, अपना वेट वूट सब फिट कर लिया एंड वो ठीक हो गए। ये पॉजिटिव चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? बोलिए कुछ, आज सब शांत क्यों है? नहीं सर, आज तो ठीक सुन रहे हैं अभी। है, तो ये चीज थोड़ा हूंहा होता रहता है, पता लगता है कि हाँ हम चल रहे हैं, है ना? स्कॉर्पियो 6 हाउस में तो हम ये भी कह सकते हैं ना, उसको डायरिया वगैरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो लिक्विड है, जलीय राशि है। जलीय राशि है, लेकिन ऐसे लोगों को इम्प्योर जो है खाने से, है ना, हाँ, क्योंकि गंदा पानी गलत है गलत कोई पानी स्कॉर्पियो। पी लिया, बासी खानी खा लिया, कुछ और चीजें मतलब खा हाँ, ली, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। ये हाँ लोग, तो अगर इसको इनका मंगल अच्छा है और स्कॉर्पियो साइन ठीक जा रहा है, तो ये लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मैंने ये चीजें देखी हैं, पेट बहुत ज्यादा है, स्पोर्ट्स भी वैसे ये चले लोग गए। ग्रजेस, वैसे ये लोग ग्रजेस पालते नहीं है, जितने जो मेरे जहन में जितने जेमिनाई आ रहे हैं ना, ये लोग ग्रजेस पालते नहीं है। तेरे लिए लेट गो ग्रजेस क्या होता नमस्ते है? सर, ग्रजेस मतलब नमस्ते जी। मतलब किसी के लिए घृणा या किसी के लिए ये, अच्छा, किसने किससे करा किसी ना ने। ना ना हाँ ना, जी, स्कॉर्पियो वाले कभी वो भूलते नहीं है। जो स्कॉर्पियो दुश्मनी करता है ना, सबसे डेंजरस सर रहता अक्सर है, उसकी तलाश उसमें में एक रहता और है है। कि वो लोग जो है ना करके है ना, ये बोलते नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, नहीं, ऐसे ही नहीं, हम कह ऐसा सकते नहीं हैं, है, ऐसा लेकिन मौके की तलाश में रहते। स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, ये कभी भी अगर आपने स्कॉर्पियन को मतलब परेशान किया है या उससे कोई दुश्मनी पाल ली है, अगर आप किसी को भी जी क्रिटिसाइज तभी करो, दिया करते। स्कॉर्पियो को क्रिटिसाइज करने से परहेज ही करना चाहिए, ठीक हाँ, जो ये है जो ना? स्कॉर्पियो ये एसेंडेंट हो, तो प्लीज, हैं जी, अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट है तो उसकी वो आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हम जेमिनाई की ना बात कर रहे हैं, जेमिनाई इज लो वेरी यू नो रो सॉफ्ट, रो तो वो करेगा। ग्रुप मैं लगता है, कभी कभी ग्रुप तो मैं पे लगता हाँ सर, है, ध्यान चला अरे गया अलग जगह पे। जब सिक्स्थ हाउस है तो दुश्मनी दुश्मन कैसे होंगे, और वो दूसरे से दुश्मनी कैसे करेगा, डिजीज कैसे होंगे? स्कॉर्पियो 6 हाउस में स्कॉर्पियो राशि है ना, तो वो करेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे नहीं, वो चीजें, बिल्कुल गुप्त शत्रुओं का मिलना, गुप्त तरीके से चीजें होना, रोग गुप्त हो जाना, वो अपने लोन्स को गुप्त रखता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी गुप्त रखेगा। तो जब वो किसी किसी दूसरे के साथ जो है, नेचुरली वैसे तो 8th लॉर्ड है, वो 6th में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक क्रूअल साइन, एक मैलिफिक जो हाउस माना जाता है उसमें आ रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इट इज अ गुड कि हाँ, उनमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की पास शक्ति, वो पावर जो है जेमिनाय वालों को दे रहा है। ओवरवेट हो गया, कहीं रिजेक्शन हो गई, बीमारी, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके पास ये ताकत है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना? जी हेलो सर, वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि वेट वगैरह? हाँ जी शालिनी जी, सर, यहाँ पे इनके दुश्मन लोग पीछे से वॉर करेंगे या नेटिव खुद करेगा मैं वॉर? आपको बोल रहा हूं कि गुप्त शत्रु, जी, मतलब ये क्वालिटी उसके शत्रु के ऊपर ज्यादा होनी चाहिए कि वो पीछे से हाँ वॉर करेगा, धोखा देगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही है ये चीज जेमिनाय काफी वाले बड़ी भी चीज कर सकते हैं, है ये। और उनको ऐसे शत्रु मिलते भी हैं, ठीक है? उनको ऐसे शत्रु मिलेंगे जो गुप्त होंगे, अंडरग्राउंड तरीके से, अपने ही लोग होंगे, ठीक है? फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अनअर्न्ड इनकम जो है वो भी वहां पर चली गई, और इन उसके लॉस भी से दिक्कत, प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्यों, क्योंकि एट ठीक हाउस है? सिक्स में गया है। मैं बोलिए बताइए, सर मैं हाँ जी ये हाँ, कह रही थी,
कि इन लॉज से भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज तो एट्थ अगला हाउस स्टेप इन लॉज बोलने तो होता दीजिए, है. मेरा शब्द मुंह के अंदर अंदर होते हैं, आप लोग हम बीच में टोक देते है हैं. आपके साथ ना, हमारा भी दिमाग चल रहा है ना. नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पेन डाउन योर थॉट्स जी. एंड मतलब समय पे आप बताइए, दो चार बातें और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अभी 8th हाउस जो है सिक्स्थ में आ रहा है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होना, हाँ. ठीक है, अन अर्न इनकम, कोई पैसा है, या आपको मंगल अच्छा है, कोई रिश्तेदार है मर गया, उसका आगे कोई नहीं था, आपको पैसा मिल गया, बट बिकॉज यहाँ अच्छा. 8th हाउस में सैटर्न की राशि है, तो सैटर्न वॉन्ट्स की अपना काम करो और कमाओ, तो यहां पर लॉटरी लगना, अर्न अर्न इनकम मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मंगल आपका अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा भी कार्य हो सकता है, कोई मतलब आपका रिलेटिव है उसके आगे मतलब कोई वंशज वगैरह नहीं थे, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई, कोई वसीयत एक्सीडेंट में में मर गया, जी. इंश्योरेंस किया हुआ है, आप उसके वो बन गए हो, वारिस बन गए हो, आपको पैसा मिल गया, ठीक है, ऐसी चीजें मतलब हो जाना। अचानक अब इनकम. आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ डेबिलिटेट हो जा रहा है, ठीक है, सिक्स्थ लॉर्ड जो है फोर्थ के अंदर चला गया, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इन लोगों को ईएमआई वाले लोन थोड़े कम ही लेने चाहिए, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ये उसके अंदर चले जाएंगे, मतलब अपने छोटी छोटी ईएमआई वाले ज्यादा लोन ले लिए, बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर चले गए। वो क्यों? अब शॉर्ट टर्म लोन्स क्यों बताइए? चंद्र डेबिलिटेड है ना. चंद्र है सेकंड हाउस. सेकेंड हाउस में चंद्र है, सर चंद्र वहां डेबिलिटेटेड। हाँ जी शालिनी जी, 12th हाउस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. हम यहाँ लोन्स पर की बात हमें कर रहे हैं, जी. लोन हाँ लोन्स, जी सर. ये जो जेमिनाई वाले हैं इनको लोन्स जो हैं शॉर्ट टर्म लोन्स हैं या ईएमआई पे लोन्स हैं, ये नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जो है डिटीरियोरेट कर लेते, फंस जाते हैं, सर, क्योंकि ठीक क्योंकि है। सेकंड उनको हाउस में वेट वेट वेट, उनको उनको जो है उनको ये होता है कि हमारी तो इतनी इनकम है, छोटा सा लोन है ले लो, जल्दी से खत्म हो जाएगा, वो करते करते ज्यादा लोन ले लिए, अब पता लग रहा है कि लोन इतने ज्यादा हो गए हैं कि खुद का गुजारा चलाना ही मुश्किल हो गया है, ईएमआई टेंशन हो गई, ज्यादा, मिस इनकम से मैनेजमेंट कर दी है ज्यादा जी, ईएमआई, इनकम हाँ इनकम से ज्यादा ईएमआई होगी, मिस मैनेजमेंट कर दी फाइनेंसेस की, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को लोन का कारक भी माना जाता है, ज्यादा ठीक ईएमआई है, ये चीज हो सकती होगी. है। लेकिन ये लोग प्रॉपर्टी के लिए और व्हीकल वगैरह के लिए लोन्स ले सकते हैं, 4th हाउस प्रॉपर्टी, घर खरीदना है लोन ले लो, व्हीकल खरीदना है लॉन्ग टर्म लोन ले लो, तो चलो ये ये पर्सनल लोन देखिए, नहीं ले सकते हैं. पर्सनल लोन थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, यही जो हम मेन इनके पास बात कर रहे थे। सर, इनके पास अनअर्न मनी ज्यादा होगी, क्योंकि 11th हाउस में भी मंगल की ही राशि है. 8th हाउस देखिए ना, तो कौन आ रहा है सैटर्न. अच्छा. हाँ. 8th में, कौन है अभी जेमिनाई में, कौन है 8th में, सर, उसके मकर लॉर्ड शनि शनि की कौन है, शनि, राशि. वो क्या बोलते हैं, शनि. पहले आप काबिल बनो, मेहनत करो, तब पैसा मिलेगा, अनअर्न इनकम के लिए वो डिनाई कर रहे हैं, अच्छा. ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि मंगल यहां पर 6th के लॉर्ड हैं एंड वो 11th के भी लॉर्ड हैं, तो आप ये कह सकते हो कि सेवा से पैसा कमाया जा सकता है, नहीं तो अगर सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंगल सिक्स हाउस में होगा तो, स्कॉर्पियो में हाँ जी, मंगल अगर सिक्स हाउस में होगा तो. जॉब करेगा इंसान, अच्छा.
जॉब करेगा, स्कॉर्पियो में होगा, गुप्त करेक्टर होगा, अपने पैसे के बारे में, लोन्स के बारे में बताएगा नहीं, गुप्त तरीके से दुश्मनों को टैकल करेगा। ठीक है, अच्छा है वहां पे, मतलब अपने घर का स्वामी बैठा हुआ है और क्रूर ग्रह है, सिक्स में आकर बैठ गया है, तो ठीक है। अब सिक्स हाउस के भाव से वो प्रॉफिट कमाएगा, लॉयर, लड़ाई झगड़ों से पैसा क्या कमाना, बात ठीक है ना जी। लॉयर होगा, मतलब लॉयर होगा, लॉयर कौन सा होगा, जो ये जो ये क्रिमिनल मैरिज मैरिज केसेस लेते हैं। क्रिमिनल नहीं होगा सेवंथ हाउस चला गया ना सिक्स फिफ्थ सर। में, 12th टू वो, तो रिलेशंस वाले, उसमें डॉरी वाले केस लड़ रहा है, एक अनअर्न्ड इनकम वाले, है ना, या ये वाले सब केस लड़ रहा है, फैमिली फैमिली रिलेटेड मैटर, क्रिमिनल रिलेटेड नहीं मैटर। होगा, क्रिमिनल फैमिली में ही आ जाता है। मुझे, मेरे इतना ज्ञान हुआ नहीं अभी, मतलब नहीं, क्रिमिनल क्रिमिनल फैमिली किस में देखते, आएगा सर? क्रिमिनल नहीं होगा क्रिमिनल इसके अलग हो अंदर। गया ना मैडम, अच्छा हम 8th हाउस के सिग्निफिकेंसेस को भी ले रहे हैं। सर, केतु आ जाएगा साथ में, तो क्रिमिनल भी फिर हो सकता है। मैंने एक कुंडली देखी थी, उसका मंगल एंड केतु सिक्स हाउस में स्कॉर्पियो में था, तो हाँ, उसका एल्डर ब्रदर जो था वो सडन गायब हो गया, पता ही ओ, नहीं चला कहाँ गया कहाँ मंगल नहीं गया। और केतु केतु सिक्स हाउस स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो में, स्कॉर्प 8th। अब एट देखो तो ना, सर अभी ज्योति जी के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, प्लीज थोड़ा सा अभी तो मैं म्यूट भी, म्यूट करने के लिए मजबूर ना करें, ठीक है। ज्योति जी ने बोला जेमिनाई असेंडेंट है, बड़ा भाई और सडनली गायब हो गया, मंगल केतु सिक्स में थे स्कॉर्पियो में, ठीक है, सडन चीजें हो जाना 8th हाउस, जी हाँ जी नेचुरली वो स्कॉर्पियो चीज आ गई। अब हाँ जी 11th हाउस, हम इलेवन बड़ा भाई हम देखते हैं 11th हाउस से, हाँ जी ठीक है ना, हाँ केतु डिटैच करता है, और केतु के काम रहस्यमय होते हैं, हेड नहीं है ना, पता ही नहीं हाँ लगेगा जी कैसे। हाँ मंगल और केतु सिक्स में थे, लेकिन इसमें और भी अफ्लिक्शन आ रही होगी, सैटर्न भी अफ्लिक्टेड होगा, सैटर्न फिफ्थ हाउस में है कुछ का। ठीक है। मंगल डिग्री वाइज देखिए सैटर्न और केतु के बीच में है, हाँ जी मेरे ख्याल में बीच में है सर। हो गया मैंने ये काम। बहुत सारी कुंडलियों में देखा है जहाँ मंगल और केतु एक साथ होता है, तो मोस्टली ब्रदर्स के साथ ऐसा मिस हैपनिंग होती है। मिस हैपनिंग लगा लो, एक्सीडेंट लगा लो, मंगल एक्सीडेंट का कारण भी है ना, कारक भी है ना, ठीक है, मंगल जो है एक्सीडेंट्स का कारक भी है, और मंगल आपका भाईचारा भी है, केतु साथ में आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अगर मंगल केतु साथ है, अपने हस्बैंड के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी अच्छा ज्योति जी, नहीं, उनकी तो बनती है आपस हाँ? में, हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनती है सर। तो बीच में शनि आ गया ना, ये बोल रही है ना बीच में शनि शनि उच्चिका होके बैठा है है, शनि यानी मंग, बड़ा भाई है ना। हाँ, एक सेकेंड, मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। अरे ये क्या रिकॉर्डिंग